आपके लिए आज लेकर हम कुछ नया टॉपिक जिसे बोलते हैं हम इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता। तो दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे आईटीआई पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर इंटर और बाकी आगे काफी कॉम्पिटिशनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आखिर होता क्या है। प्रत्यास्थता वह गुण है कि जब किसी वस्तु ऑब्जेक्ट या निकाय पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तो वह वस्तु विस्थापित हो जाती है, परंतु बाह्य बल हटा देने पर वह वस्तु पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। तो दोस्तों इलास्टिसिटी के बाद हमारी आती है इलास्टिसिटी लिमिट। तो इसके बाद हमारे क्वेश्चन दिमाग घूमता है कि इलास्टिसिटी यदि हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी वस्तु के ऊपर तो आखिर हम कितना फोर्स लगा सकते हैं, कहां तक लगा सकते हैं, आखिर उसकी कोई तो एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा। तो दोस्तों हाँ, उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट है हमारा, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी लिमिट, प्रत्यास्थता सीमा। तो दोस्तों जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी वस्तु के ऊपर, जो वस्तु हमारी विस्थापित होती है, उसको हम केवल प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत ही लगा सकते हैं। उसके आगे यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो वस्तु ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है या फेल हो सकती है। तो इसके लिए एक सीमा बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी लिमिट। तो इसके अंदर हमारे और भी काफी टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि इसके बारे में अगर हम आगे और अंदर तक जाते हैं तो इसके बाद हमारा आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, तो दोस्तों हुक लॉ आता है, तो हुक लॉ हमारा क्या कहता है तो जानते हैं इसके बारे में। तो ये हुक लॉ हमारा ये कहता है कि जो हम फोर्स लगाते हैं, जो हमारा प्रतिबल होता है, जो हमारा प्रतिबल होता है यानी स्ट्रेस होता है, वो हमारे किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन यानी विकृति के। तो ये हमारे विकृति के प्रोपोर्शनल होता है। और हमारा हुक्स लॉ यदि अगर हम प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो हमारे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसे हम लिखते हैं ई, जो कि हमारी जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है हमारी ई, वो हमारी कहलाती है हुक्स लॉ कॉन्स्टेंट यानी हुक लॉ न्यूटन। तो दोस्तों अगर हम इसको पूरा लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबल अपॉन विकृति। तो इसका यूनिट क्या होती है, इसकी विमा क्या होती है, तो जानते हैं और इसके बारे में। जो हमारे हुक लॉ की लिमिट होती है, जो हमारे हुक लॉ का यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट जो इसका होता है वो हमारा होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। और इसकी विमा क्या होती है जानते हैं उसके बारे में भी। इसकी विमा होती है एक्चुअल में, जो हमारे फोर्स की बीमा होती है, फोर्स की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। और हमारे मीटर, मीटर मीन्स यानी लेंथ, लेंथ की बीमा क्या होती है हमारी एल, एल बिकॉज ये स्क्वायर थी यानी हमारी क्या होती है एल टू। तो इसकी जो बीमा बनेगी हमारी वो क्या बनती है, इसकी बीमा बनती है हमारी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो जो इसकी बीमा आती है वो हमारी बनती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी हुक्स लॉ के बारे में। अब हमारा एक सवाल आता है कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। तो आखिर हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। आइए
दोस्तों जो जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको आप लास्ट तक देखिए बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको आपको बेसिक बता रहा हूँ, मैं इसके अंदर भी नहीं जा रहा हूँ। अगली वीडियो में आपके लिए मैं इसमें डीपली जाऊंगा और आपको इससे भी अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो बने रही है, जानते हैं व्हाट इज स्ट्रेस, प्रतिबल क्या है। दोस्तों बात कर रहे थे स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस होता क्या है। तो दोस्तों स्ट्रेस वह होता है जब किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस वस्तु का मटेरियल में रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है जो कि हमारे लगाए हुए बल का विरोध करता है। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस कहते हैं यानी प्रतिबल कहते हैं। इसे हम किससे शो करते हैं, तो दोस्तों इसको हम शो करते हैं सिग्मा से। तो इसको हम शो करते हैं सिग्मा से। तो इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो इसका पहला जो टाइप्स होता है उसे कहते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। सेकेंड जो इसका होता है उसको कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तीसरा जो टाइप्स होता है इसका उसको कहते हैं हम बेंडिंग स्ट्रेस। एंड जो टॉर्जन स्ट्रेस। तो दोस्तों इसके चार टाइप्स होते हैं, पहला टेंसाइल स्ट्रेस, सेकंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, फोर्थ बेंडिंग स्ट्रेस एंड थर्ड बेंडिंग स्ट्रेस सॉरी और फोर्थ होता है टॉर्जन स्ट्रेस। यानी पहला तनाव प्रतिबल, दूसरा हमारा हो जाएगा कॉम्प्रेसिव यानी संपीड़न प्रतिबल, तीसरा हो जाएगा बेंडिंग यानी घुमाव स्ट्रेस, टॉर्जन हो जाएगा हमारा टॉर्जन स्ट्रेस यानी मरोड़ प्रतिबल। तो इन चार टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो हमारा प्रतिबल जैसा कि हम जान चुके, प्रतिबल हमारा वो होता है जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स जो होता है उसका विरोध करता है। तो अब इसके चार टॉपिक्स के बारे में जानते हैं इसके पहले टॉपिक्स के बारे में टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, तो मैं एक ऑब्जेक्ट के जरिए आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसपे हमारा टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तनाव बल हमारा लग रहा है। तो जो ये तनाव बल होता है, तो जो ऑब्जेक्ट का जिस ऑब्जेक्ट पे हमारा प्रतिबल लग रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है हमारा तनाव प्रतिबल, उसका अगर हम मैथमेटिकली गणितीय रूप में अगर हम इसका सूत्र देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा F अपॉन A यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो ये होता है दोस्तों तनाव प्रतिबल। तो आगे इसके सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो व्हाट इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, संपीडन प्रतिबल। संपीडन जैसे कि नाम से इनको पता चला, संपीडन यानी उसको प्रेस करना। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के जरिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, माना कोई ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसपे हम कॉम्प्रेसिव यानी दबाव डाल रहे हैं, वो हमारी कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोलिक फोर्स हो सकता है, मैन फोर्स हो सकता है, ईटीसी। हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है,
तो से इसका अगर न्यूमेरिकल फॉर्म ले तो हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म वही आएगा टेंसाइल में क्या था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी हमारी लेंथ बढ़ रही थी, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हमारी इसकी लेंथ कम होगी बिकॉज हम ये हमारा इस पे कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं। ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका अगर न्यूमेरिकल फॉर्म देखें यानी गणितीय रूप में अगर इसको हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल इसका फॉर्मूला भी हमारा हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे कि कंप्रेसिव फोर्स हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ लिया, टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ लिया, आगे इसका मतलब तीसरा पॉइंट आता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो दोस्तों बेंडिंग स्ट्रेस के भी बारे में हम जानते हैं, व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस। तो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं मैं केवल आपको अभी बेसिक बता रहा हूं, मैं इसके अंदर अभी नहीं जा रहा हूं, इसके अंदर भी बहुत कुछ है तो मैं आगे की वीडियो में आपके लिए जरूर जाऊंगा इसके अंदर। तो आप मेरे साथ बने रहिए बिकॉज मैं आज इस वीडियो में आपका स्ट्रेस खत्म कर दूंगा। तीसरा पॉइंट जो इसका है वो है बेंडिंग स्ट्रेस। तो व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस जानते हैं इसके बारे में। तो जानते बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, बॉडी बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग जो दोस्तों वो होता है यदि अगर हम कोई बीम लेते हैं, कोई रॉड लेते हैं, अगर उसको हम मान लीजिए कोई हमारी रॉड है या बीम है, इसको अगर हम दोनों सिरों से फिक्स कर देते हैं, दोनों सिरे से इसको फिक्स कर देते हैं, ये भी सिरा फिक्स है, ये भी सिरा फिक्स है, और अगर इसके हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं इसके सेंटर पे या सेंटर से थोड़ा हट के अप्लाई करते हैं तो ये रॉड हमारी कुछ बेंड हो जाएगी। तो जो इस जो बेंड होगी, जिस फोर्स से बेंड होती है उसको हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। या एक दूसरे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, यदि रॉड या बीम हमारी एक साइड से फिक्स्ड हो, एक साइड से हमारी फिक्स्ड है और उसके एक साइड पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या हम कोई वस्तु उस पर रख देते हैं तो जो ये रॉड है वो हमारी कुछ बेंड होने लगती है। तो जिस फोर्स से या जिस भार से बेंड हो रही है उसको हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो। आगे तो आगे बात करते हैं इसके आगे के पॉइंट वन, चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा टॉर्जन स्ट्रेस। बात करते हैं टॉर्जन स्ट्रेस के बारे में, जो कि स्ट्रेस का हमारा लास्ट टाइप। तो दोस्तों टॉर्जन स्ट्रेस जो होता है, यदि हम किसी शाफ्ट को अगर हम शाफ्ट को एक जगह से फिक्स कर दो और उसको उसी के एक्सिस पे, उसी के एच पे घुमाने का प्रयास करते हैं तो वो हमारा जो घुमाने का प्रयास होगा उसमें हमारा जो बल लगेगा उसको हम जो स्ट्रेस लगेगा, जो प्रतिबल लगेगा वो हमारा क्या कहलाता है, टॉर्जन स्ट्रेस। या दोस्तों अगर यदि कोई हमारी शाफ्ट घूम रही है, यदि वो पहले से ही घूम रही है और उसको हम यदि अचानक से इमिडिएटली अगर रोकने का प्रयास करते हैं तो जो इस पे हमारा फोर्स लगेगा, जो जिस बल से हम उसको रोकते हैं वो हमारा कहलाएगा टॉर्जन स्ट्रेस। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो। तो आगे की वीडियो में आपके लिए मैं स्ट्रेन टॉपिक लाऊंगा और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ भी समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों कैरियर वेल इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिसके उनके हेल्प मिल सके और वो अपना ये टॉपिक समझ सकें।